तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आइए आप अच्छे होंगे। मैं के पीसंत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था दुहाई RRTS स्टेशन से लेकर और मुरादनगर RRTS का स्टेशन के कितना कुछ काम हो चुका है, कितना बायोडक्ट पे काम हो चुका है। आज आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा मुरादनगर से लेकर मुरादनगर की जो गंग नहर है यानी कि कैनाल है उस पर, और मोदी नगर साउथ RRTS का स्टेशन भी दिखाएंगे इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस मैं आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। देख सकते हो ये डिवाइडर बन गए हैं। डिवाइडर बनाने के बाद में फिर इसमें मिट्टी भी डाल दी, अब इस पर प्लांटेशन कर दी जाएगी। और ऊपर इस पर अभी इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगा दिए हैं, उनके ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट लगा दिया है और अब वायर डाली जा रही है दोस्तों, और इस पर ट्रैक स्लैब भी बिछाए जा रहे हैं। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये गंग नहर आ जाती है यहाँ पर, डबल पिलर देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ये थोड़ा सा कर्व ले लेती है लेफ्ट में, क्योंकि राइट में तो आपको पता तो ये रोड है, रोड के ऊपर ही कैनाल के ऊपर दोस्तों क्या है ब्रिज, तो इसी वजह से यहाँ पर ये लेफ्ट में आ जाती है। और लेफ्ट में आ जाने के बाद में फिर ये गंग नहर को क्रॉस करने के बाद में फिर ये बीच वाले पार्ट पर आ जाएगी यानी कि बीच वाले हिस्से में आ जाती है दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। और इस गंग नहर को, मुरादनगर को छोटा हरिद्वार भी दोस्तों बोला जाता है, जो आप लोगों को नहीं पता है वो इस वीडियो में जान लो, ठीक है। और ये 30,274 करोड़ की लागत से ये 82 किलोमीटर का रूट दोस्तों बनाया जा रहा है, जिसमें से ये 12 किलोमीटर का पार्ट दोस्तों अंडरग्राउंड है और 70 किलोमीटर का पार्ट दोस्तों ये एलिवेटेड हिस्सा है। एलिवेटेड में ही सारे आप लोगों को प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिलेंगे RRTS के दोस्तों। तो आप लोग इंजॉय करो, मिलते हैं आपसे आगे चल के। तरीके से ये काम किया जा रहा है, चलते हैं मोदी नगर साउथ का स्टेशन दिखाते हैं चल के आप सभी को दोस्तों। तो बने रहो ये ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर दोस्तों। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें कि सारे में ये इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगा के उनके ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट लगा दिए जा चुके हैं दोस्तों। अब इस पर बस ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाना है, अभी वायरिंग लगाई जानी है और इस पर ट्रैक स्लैब भी बिछाए जा रहे हैं दोस्तों। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है और मुझे तो लग रहा है कि आने वाले टाइम में मेरठ साउथ का जो RRTS के स्टेशन है वहाँ तक ये काम कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसके बाद में ही इसका मुझे लग रहा है मुहूर्त किया जाएगा दोस्तों। जैसा लग रहा है तो ये ही ऐसा ही लग रहा है मेजर जी। देखो बीच बीच में अभी काम रह गया है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। यही मैं दिखाने के लिए आप सभी को मैं लेकर आया हूँ कि देखो यहाँ लाइन पर ये चेक करने के लिए ये देख सकते हो ये स्टेयर बनाए गए हैं लोहे के, ये लोहे का स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने। Thank you.
सेफ्टी बोर्ड भी नहीं हटाए गए हैं, देख सकते हो आप लोग, क्योंकि जो डिवाइडर बनाया जा सके, जब डिवाइडर बन जाता है तब ये सेफ्टी बोर्ड हटा दिए जाते हैं। अभी मिट्टी भी डाली जाएगी, यहाँ पर प्लांटेशन कर दी जाएगी। तो अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, आपको बता दूँ कि दोहाई RRTS के स्टेशन से लेकर दोस्तों और मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन तक करीब ये 25 किलोमीटर का रूट है दोस्तों, इसमें से 50% काम कंप्लीट हो चुका है, 50% अभी बचा हुआ है। तो इसमें 25 25 50, तो 50 किलोमीटर का अभी ट्रैक अभी डालना बाकी रह गया है। इसमें OHE तो हर जगह आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, देख सकते हो OHE सारे में ही लगा दिए इन्होंने, लेकिन अभी ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाना है, तो वही अभी बाकी बचा हुआ है। और ये सेफ्टी बोर्डों के सेफ्टी बोर्ड हटाए जा रहे हैं जैसे जैसे ये डिवाइडर बनाते चले जा रहे हैं बीच का। Thank you.
मोदी नगर साउथ का स्टेशन आने वाला है वो सामने चमक रहा है, और उससे पहले देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डिवाइडर बीच का डिवाइडर है उसको बनाया जा रहा है। इसमें आप मिट्टी डाली जाएगी, ये देख सकते हैं ये सारा इन्होंने डिवाइडर जोड़ दिया है। और जो मोदी नगर साउथ का स्टेशन है RRTS का, उसके ऊपर जो रूफ टॉप बनाया जा रहा है उसका स्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है दोस्तों। अभी स्ट्रक्चर को ही बनाया जा रहा है, फिर इस पर टीन सेट डाला जाएगा दोस्तों, फिर मतलब कि सेट डालने का काम किया जाएगा। खड़ा हो आगे, यहाँ सेट कुछ और तरीके से लगाया जा रहा है दोस्तों। देखो यहाँ पर सेट कुछ अलग तरीके से बनाया जा रहा है, ये देखो। अभी दोनों साइड का जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है उसका अभी पता नहीं चला है कि कहाँ पर बनाया जाएगा, किस जगह बनाया जाएगा, तो अभी वो कोई काम नहीं हुआ है। और देखो आपको बता दूँगा दोस्तों, इस पे पेंट का काम भी हो गया है, जो इसका कॉन्कोर्स लेवल है वो बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो चुका है, इस पर काम भी हो गया। देखो यहाँ पर बनाया जाएगा एंट्री एग्जिट पॉइंट, ये देखो ये साफ करने का काम किया जा रहा है। और एक उसके अंदर बनाया जाएगा, वहाँ पर वो दीवार भी तोड़ दी जा चुकी है दोस्तों। देखो जो रूफ टॉप का साइड का स्ट्रक्चर है, देखो ये पड़ा हुआ है, यही उठा उठा के ले जाएंगे दोस्तों यहीं से। देखो ये पड़े हुए हैं जो रूफ टॉप के स्ट्रक्चर के साइड, देखो आप लोग दोस्तों कुछ यही नज़ारे हैं यहाँ के। देखो कुछ ये रखे हुए हैं जो स्ट्रक्चर का साइड है दोस्तों, देखो साइड का जो स्ट्रक्चर है ऊपर का प्लेटफॉर्म के ऊपर का वो है, देखो आप लोग तस्वीर। वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।